आप देख रहे हैं भोजपुरी दबंग और आज हम आपको भोजपुरी के पांच ऐसे सुपरस्टार्स की कहानी बताएंगे जिन्होंने अपने दम पर भोजपुरी में नाम कमाया। नंबर एक, खेसारी लाल यादव। वैसे तो खेसारी भोजपुरी का दबंग सुपरस्टार कहे जाते हैं, पर सुपरस्टार बनने से पहले दिल्ली में लिट्टी चोखा बेचते थे। लिट्टी चोखा बेचने के बाद पूरे दिन में 400 से लेके 500 तक ही कमा पाते थे और इसमें उनकी पत्नी भी मदद करती थी। इसके बाद खेसारी बिहार लौट गए और वहाँ उन्होंने नाचना गाना शुरू कर दिया और आज खेसारी उस अवतार में हैं जहाँ उनके फैंस उनको हमेशा एक अलग अंदाज में देखना पसंद करते हैं। आज के डेट में खेसारी लाल यादव भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टारों में गिनती की जाती है। नंबर दो, मनोज तिवारी। एक किसान के घराने में पले बड़े मनोज तिवारी को गायकी का बचपन से ही शौक था। अमिताभ बच्चन को हमेशा पर्दे पर देखने के बाद मनोज तिवारी ने अपने मन में ठान लिया था कि उनको भी आगे बढ़ना है और कुछ करना है। मनोज तिवारी ने अपनी पढ़ाई बनारस की BHU से की। पढ़ाई के दौरान ही मनोज तिवारी भी गाना भी सीखते थे, लेकिन वहाँ उनको सफलता नहीं मिल पाई। उस वक्त मनोज टूट से गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने गानों से लोगों का दिल जीतते थे। फिर भी जो सफलता उनको चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी। फिर उन्होंने एल्बम निकालना शुरू किया और उसके बाद मनोज तिवारी सुपरस्टार बन गए। मनोज तिवारी एक ऐसे नाम है जो भोजपुरी को दूसरा जन्म दिए हैं। उनकी पहली फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला भोजपुरी की सबसे बड़ी फिल्म और ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय की, और उससे बड़ी फिल्म आज तक कोई हो नहीं पाई है। नंबर तीन, रवि किशन। उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले जौनपुर के रहने वाले हैं रवि किशन। उनका सफ़र आसान नहीं था। रवि किशन परिवार से दूर मुंबई में रहकर संघर्ष किया करते थे। रवि किशन ने वो दिन भी देखे हैं जब उन्हें सर पर छत नसीब नहीं था और उन्होंने कई रातें मुंबई के सड़कों पर बिताई। जब रवि ने सोच लिया कि अब उन्हें सफलता नहीं मिल रही है तो वहाँ से जाने की भी सोच लिए, पर उसी दौरान उनको एक फिल्म मिली जिसका नाम था पीताम्बर। हिंदी सिनेमा से अपनी करियर की शुरुआत करने वाले रवि किशन आज भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टारों में गिने जाते हैं और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के अलावा पूरे भारत में उनको जाना जाता है। रवि किशन एक ऐसे स्टार हैं जो कई भाषाओं की फिल्मों में काम करते हैं और लोगों का दिल जीतते हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ। फिलहाल दिनेश लाल यादव निरहुआ भोजपुरी के सबसे बड़े सितारों में गिने जाते हैं, पर उनकी भी शुरुआत संघर्ष भरी रही है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के मध्यम परिवार से आते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ। परिवार में उनके माता पिता, उनके चाचा और उनके चाचा के बड़े लड़के गायकी के क्षेत्र में ही थे। उनके बड़े भाई का नाम है विजय लाल यादव, जो कि उनके चाचा के लड़के हैं। उन्हीं से गाने का स्रोत लेते हुए दिनेश लाल यादव ने निरहा गाना शुरू किया था, पर विरहा में उनको कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई। निरहुआ अपने पिता के साथ कलकत्ता में ही रहते थे, पर पढ़ाई पूरी होने के बाद अपने गांव गाजीपुर आ गए। निरहुआ ने एक एल्बम निकाला जिस एल्बम का नाम था बुढ़वा में दम्बा, और एल्बम सुपर हिट हुआ। बाद में दिनेश लाल यादव निरहुआ को लगा कि उनको कुछ अलग करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, तो निरहुआ ने 2003 में एक एल्बम निकाला टी सीरीज कंपनी के माध्यम से, जिस एल्बम का नाम था निरहुआ सटल रहे। उसके बाद उनकी किस्मत चमक गई और फिल्मों में आ गए और आज आप देख ही रहे हैं कि दिनेश लाल की फिल्में कैसे कमाई करती हैं और कितने दर्शक उनके दीवाने हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आखिरी सुपरस्टार नंबर पाँच, पवन सिंह। पावर स्टार पवन सिंह को आज कौन नहीं जानता। पवन सिंह एक गायक, अभिनेता और नेता भी हैं। पवन सिंह भोजपुरी के सबसे सफल अभिनेता गायक के रूप में माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी गायकी के दम पे भोजपुरी दर्शकों का दिल जीता। आज पवन सिंह जिस मुकाम पर भी हैं वो अपनी सच्ची लगन और उनकी मेहनत का ही नतीजा है। पवन बिहार के एक छोटे से गांव जोकहरी जिला आरा के रहने वाले हैं। उनके पिता किसान थे। पवन ने अपनी पढ़ाई लिखाई आरा से ही की है। उनकी गायकी में सबसे बड़ा हाथ उनके चाचा श्री अजीत सिंह का रहा है। आज पवन सिंह जो भी हैं अपने चाचा के वजह से हैं और इस बात को वो हमेशा कबूल भी करते हैं, क्योंकि पवन सिंह को गायकी के क्षेत्र में लाने वाले उनके चाचा श्री अजीत सिंह ही हैं जो कि उनको स्टेज शो और गायकी के क्षेत्र में लाए।
पवन का पहला एल्बम स्टूडियो में रिकॉर्ड नहीं किया गया था। जब वो छोटे थे और एक मंदिर के उद्घाटन में गा रहे थे, तब उनके गाने को रिकॉर्ड कर किसी ने उसको रिलीज कर दिया और वो गाना सुपर हिट हुआ, जिसके बाद पवन की किस्मत चमक गई और वो स्टूडियो में जाके कंपनियों द्वारा गाना गाने लगे। पवन सिंह का सबसे बड़ा गाना लॉलीपॉप लागेलू लगभग इस गाने को 2008 में रिलीज किया गया था और इस गाने को लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन आज भी उतना ही लोकप्रिय यह गाना है। आपको बता दें कि भोजपुरी के ऐसे ही सुपरस्टार्स की खबरों के लिए और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको ऐसे ही वीडियोस देते रहें। और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसी वीडियो पसंद है, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस बना सकूं। जय भोजपुरी, जय हिंद, धन्यवाद।